तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड जैसा कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, तो चलिए बस नंबर दिए कंपनी ने, चलिए देख लेते नंबर्स क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 3,598 करोड़ के आसपास। पिछले साल की बात करें तो 2,915 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,200 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 10% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी ने जितना साल दर साल बढ़ाया है उतना ही कहे तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को कम भी कर दिया। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या किए कंपनी ने पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2,970 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,535 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,680 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे कंट्रोल में है, लेकिन क्या करें जब कंपनी अपने जो रिवेन्यू को कम कर देती है तो वो थोड़ा सा चिंता वाली बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। प्रॉफिट की बात करें पिछले क्वार्टर में 546 करोड़ प्रॉफिट था, पिछले साल मात्र 363 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 452 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर वही बात होगी, क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 20% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वही बात है कि कंपनी का जो क्वार्टर क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो थोड़े से दबाव में देखने को मिल रहा है, थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल अच्छे नंबर है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करें 5.34, पिछले साल 3.55, अभी देखें 4.42। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर क्वार्टर क्वार्टर तो थोड़े से दबाव वाले हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस गोदरेज कंज्यूमर के नंबर खराब आए हैं, कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले शेयर भी हैं जिनके नंबर अच्छे आए हैं। तो इससे ये तो कंपेयर कर ही करना पड़ेगा आपको कि दूसरी कंपनी के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो गोदरेज कंज्यूमर के खराब नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।